दोस्तों नमस्कार सभी को, जय महाकाल। और आज थर्सडे, मंथली एक्सपायरी फरवरी मंथ की काफी निराशाजनक रही और बहुत मार्केट गिरी है। और इसके पीछे कुछ टेक्निकल और फंडामेंटल कुछ भी काम नहीं कर रहा है। जैसा कि मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बोला कि अभी तो इवेंट बेस्ड इकोनॉमी के ऊपर काम हो रहा है, और जो इवेंट चल रहा है वर्ल्ड वाइड, वो सभी लोग जानते हैं कि अब रसिया यूक्रेन की जो स्थिति है, जो लग रहा था कि युद्ध नहीं होगा, 80% ऐसा लग रहा था कि शॉर्ट आउट हो जाएंगे मैटर, लेकिन वो वॉर की स्थिति में कन्वर्ट हो गए। और आज बहुत बेकार भयानक स्थिति रही वहां पे, और वहां के लोग बहुत परेशान रहे और एक दूसरे से देश लड़ रहे हैं, और ऐसी सिचुएशन बन गई, उसमें इतनी गिरावट हुई और मार्केट में कहीं ना कहीं ये अंदेशा लग रहा था। और इसीलिए लगातार जब भी मुझे मौका मिल रहा था तो मैं तो अपने इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स को कुछ ना कुछ अपनी एक्सपीरियंस और कैलकुलेशन शेयर कर रहा था कि एक 16,050, 16,000 का लेवल, जो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, कहीं ये लेवल ना आ जाए और उसके बाद में कहीं और ज्यादा चिंता ना गहराए, वैसा सोचना और उसके ऊपर अपनी मोहर लगाना, सब कुछ जानते हुए भी कई बार अनजान बनना पड़ता है। ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, अपने आप को समझाता है आदमी, लेकिन क्या करें, अब वो हो गई चीज और वैसा ही रहा। और उसमें आप देखिए कि अब हम 16,200 पे जाके यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, और कितना पैनिक हो रहा है यहाँ पे एक इन्वेस्टर और ट्रेडर, ये मैं, आप और सभी वो लोग जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं सब जानते हैं। जिनका पैसा मार्केट में नहीं है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मार्केट में ओवरऑल इन्वेस्ट कर चुके हैं दोस्तों, या फुली इन्वेस्टेड हैं, और या फिर ट्रेडर जो लोग हैं जो ऑप्शंस में और फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, उसके लिहाज से तो बहुत ज्यादा, हो सकता है कुछ लोग ट्रैप हुए हों और हो सकता है कुछ लोगों ने बहुत मोटा पैसा कमाया हो। तो ओवरऑल अभी तो मार्केट की अगर हम बात करें तो मार्केट तो वीक है, और आपके सामने ये चार्ट, निफ्टी का चार्ट है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और ये मैं शेयर कर रहा हूँ, ये पुराना चार्ट है मेरा दोस्तों। आपको अगर याद होगा ये दोनों लाइन पहले से मैंने इसके ऊपर ड्रॉ की हुई थी, आज फिर से मैंने उसी चार्ट को ओपन किया है। पिछली कई वीडियोस में, कम से कम 2 या 3 वीडियोस में तो हम इस चार्ट की चर्चा कर चुके हैं, सेम वही चार्ट मैंने ओपन किया आपको ये याद दिलाने के लिए कि देखिए ये एक इम्पोर्टेंट लेवल था यहाँ पे। मैं बार बार फिर से डेट के साथ बोल रहा हूँ, 19 अक्टूबर, जिसने एटीएच बनाया था अभी तक का, और वहीं से बोलना शुरू किया था हमने कि ये जो थ्री गैप थ्योरी थी कि भाई ये थ्री गैप थ्योरी है और ऊपर से यहाँ पे हैंगिंग मैन टाइप का सिचुएशन बन रहा है तो अच्छी खासी करेक्शन देगा मार्केट, और मार्केट ने उस चीज को बहुत रिस्पेक्ट किया और मार्केट ने करेक्शन दिया। उसके बाद में मार्केट ने ये भी देखा कि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल से पहले प्राइस पैटर्न जो था वो हेड एंड शोल्डर बन रहा था, और हेड एंड शोल्डर ने एक नहीं दो दो बार हेड एंड शोल्डर पैटर्न बने, और मार्केट ने कहीं ना कहीं टेक्निकली जो लोग बात कर रहे थे वो भी मार्केट ने रिस्पेक्ट किया और टेक्निकली मार्केट नीचे आया। लेकिन नीचे आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ इस सिचुएशन पे करीब करीब 31 दिसंबर और न्यू ईयर के आसपास, 3 जनवरी के आसपास मार्केट ने फिर से स्ट्रेंथ दिखाई और मार्केट फिर ऊपर जाने की फिराक में था, लेकिन पिछले हाई से, हाई को पिछला नहीं तोड़ पाया और पिछले हाई से लो वाला हाई यानी कि लोअर हाई बनाया और 18,340 के आसपास ही सिमट गई तेजी, और फिर से गिरावट करी, और गिरावट के बाद में फिर एक नया हाई बनाया 17,780 का, फिर तेजी यहीं सिमट गई और उसके बाद अब फिर से गिर रहा है मार्केट, यानी कि हर बार लोअर हाई बन रहा है और जो बॉटम है वो बॉटम तलाश रहा है मार्केट, अभी तक इसको एक बॉटम नहीं मिला है कि जहां से वो फिर से एक फ्रेश ओपनिंग दिखा सके और एक फ्रेश ट्रेंड रिवर्सल दे सके। कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे अभी बियरिश है,
और टेक्निकली तो मार्केट काफी बियरिश है। अब रही बात फंडामेंटल की, तो फंडामेंटल में भी मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, एक फंडामेंटल का कॉम्बिनेशन टेक्निकल इस चार्ट पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद है कि मेरी ये कैलकुलेशन आपको भी समझ में आएगी। आप देखेंगे जरा वो क्या है यहाँ पे। ऑलरेडी मैं पहले से स्टडी को, जो मेरी ड्रॉ रहती है, मैं सिर्फ और सिर्फ बहुत ही सिंपल लाइन ड्रॉ करके चार्ट्स पे रीड करता हूं। मैं कोई और खास स्ट्रेटजीज नहीं लगाता हूं, जैसा आप देख पा रहे हैं पूरा चार्ट पे भी कि बहुत सिंपल है, कहीं कोई कुछ नहीं, सिर्फ नीचे वॉल्यूम है, वो भी ट्रेडिंग वॉल्यूम। आपके सामने स्टैंड है, निफ्टी का चार्ट है, डेली चार्ट है, और इसको ही मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे। और मैंने इसके ऊपर जो स्टडी ऑलरेडी जो पिछले एक साल से ड्रॉ की हुई है उनको मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। वो लेवल पहले से डिफाइन है और उनको जीडीपी के साथ में मैंने कोरिलेट करके लगाया हुआ है, और हमारी जो नेशनल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेशनल इनकम, इन सब के कॉम्बिनेशन, जो 5 ईयर डाटा सब मिला के जिस तरीके से मार्केट ने अपना ट्रेंड बनाया था, उस लिहाज से मैंने ये लेवल्स लगाए हुए हैं। मैं थोड़ा सा चार्ट को श्रिंक कर रहा हूँ, आप उन लेवल्स को देख पाएंगे, देखेंगे आप उन लेवल्स पे चल रहे हैं। ये देखिए, ये लेवल्स हैं दोस्तों, और वो दो लेवल्स ये हैं 15,750 और 15,305 दिख रहा होगा आपको स्क्रीन में, लेकिन 15,305 एक ही बात है मोटा मोटा। अगर आप इससे दो चार पॉइंट नीचे भी ले लेते हैं, या मैं कह रहा हूँ 100 पॉइंट भी कुछ बड़े मायने नहीं रखते हैं, जब इस तरीके की गिरावट और बॉटम तैयार होते हैं तो 100 पॉइंट्स भी या 200 पॉइंट्स के भी कोई मायने नहीं होते हैं। अगर कोई बोलता है कि 15,500 निफ्टी के लेवल्स हैं, तो पहले तो लॉजिक समझिए, ऐसे बोलना नहीं होता, और कुछ भी आनंद फानंद में मत करिए, इसको समझिए और इसके ऊपर आप डिस्कशन करिए। देखिए यहाँ पे अगर आप देखते हैं दोस्तों, तो ये वो दायरा है कि जब हम ऑल टाइम हाई जो 18,600 का बनाया मार्केट ने, अगर वहां से हम करेक्ट होते हैं तो मोर देन 15% की करेक्शन मानी जाएगी, यदि हम 15,700 पे चले जाते हैं या 15,750 पे चले जाते हैं। और अब अगर कोई इंडिया विक्स की बात करता है, तो वहां पे भी डर फियर बहुत ज्यादा आ गया है, और मार्केट में इंडिया विक्स 28 के ऊपर ही डाटा अपना शो कर रहा है, तो इट मींस कि फियर तो मार्केट में बहुत ज्यादा हो चुका है। अब आप कहेंगे कि नहीं, मार्केट का डाटा ऐसा बोल रहा है, मार्केट वीकनेस और बहुत सारी बिकवाली के में दायरे में खड़े हैं, तो मैं बार बार फिर बोलूंगा, डाटा तो 2 सेकंड नहीं लगती चेंज हो जाता है। कहीं जहां पुट की तरफ लोग खड़े हैं वो कॉल की तरफ खड़े हो जाएंगे, कॉल वाले पुट की तरफ खड़े हो जाएंगे, सेकंड लगती है। बात डाटा की नहीं हो रही है, बात हो रही है कुछ आधारभूत चीजों की। तो वो आधारभूत चीजें 15,750 और 15,300 पे मुझे क्या लग रहा है, ये जो जोन है, ये पूरा एक जोन मैंने बना दिया है। ये देखिए, ये जो लाइन है, ये चैनल छोटा सा, ये जो मैंने ड्रॉ किया है करीब करीब 400 पॉइंट का, इसमें क्या है, अगर आप इसे उठाएंगे तो ये ही वो लेवल है जब, सुनिएगा ध्यान से, कि जब कोरोना काल में मार्केट गिरा था तो मार्केट करीब 12,400 के आसपास स्टैंड कर रहा था, और वहां से जब गिरा था और उसके बाद जब वहां से वी शेप रिकवरी के बाद में 12,400 से ऊपर गया, तो वो 15,700 तक की जो एक बढ़त थी वो एक स्ट्रक्चरल सीएजीआर जिसे कैसे 6% का वो थी, तो वो जो 6% तक था वो तक तो ठीक था। अब वो वहां से नई जर्नी मार्केट को शुरू करनी थी, अब मार्केट ने वो नई जर्नी स्टार्ट करी, और नई जर्नी करने के बाद में मार्केट ने अपने आप को 18,600 तक देखा, बट वहां पे नहीं संभला और वहां से नीचे गिर रहा लगातार। तो जो इसका बेस होना चाहिए वो यही होना चाहिए 15,700 से 15,300 के बीच का, क्योंकि यही वो लेवल है जहां से इसको आगे की न्यू इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, डिजिटल इंडिया, जो तमाम बातें सरकार कर रही है, उसकी इकोनॉमी यहां से सेट होती है 15,000 के लेवल से, 15,300-700, ये जो दायरा है, मतलब यहां से ये इकोनॉमी सेट होती है, क्योंकि वो तो एक वी शेप रिकवरी जो थी वो कंटिंजेंट लायबिलिटी को डिनोट कर रही थी, कि भाई एक अचानक से कुछ ऐसी सिचुएशन आई। अब ये जो यूक्रेन और रसिया है, ये कोई ऐसा तो है नहीं कि पूरे वर्ल्ड में अभी तक ये मामला गर्मा गया है। अगर वर्ल्ड वार की स्थिति हो गई तो फिर तो आप ये लेवल तो छोड़ ही दीजिए, फिर तो आप कुछ भी लेवल आप देख लीजिए, 10,000 का देख लीजिए, 8,000 का देख लीजिए, चाहे कुछ भी देख लीजिए, फिर तो दुनिया ही तबाह होनी है, फिर लेवलों का क्या करोगे आप, ठीक है ना, क्या पोजिशन बनानी है फिर तो,
फिर तो ये है कि भैया ठीक है जो है सही है, आज मैं जी लो खत्म बात, कल का क्या भरोसा, कौन सी मिसाइल कहाँ आके गिर जाए। तो वर्ल्ड वाइड वाली, वर्ल्ड वार वाली सिचुएशंस वाली बात तो हम कर ही नहीं रहे अभी, तो इनका सिंपल ये मैटर है। और हो सकता है ये मैटर भी अब, क्योंकि उठा पटक मारपीट डराना धमकाना बहुत कुछ हो चुका है ना, एक कंट्री दूसरे कंट्री से हेल्प मांगने स्टार्ट कर रहा है, यूक्रेन ने तो अपील करना शुरू कर दिया कि भाई हेल्प मी वाली बात कर रहा है वो, तो कहीं ना कहीं हेल्प की सिचुएशन में आ गया है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो करो या मरो, यानी कि फिर वो तो या तो कॉम्प्रोमाइज करेंगे या फिर वो तो बिल्कुल ही ठीक है, अब तुम हमें मार ही रहे हो तो हम भी मरेंगे और मारेंगे भी, है ना। ऐसी सिचुएशन जब आ जाएगी तो फिर तो सिचुएशन बहुत पैनिक हो जाएगी। और अगर वैसा कुछ नहीं होता है तो ये जो दायरा है जो चार्ट पे हम देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। पर्सनली मैं बताऊं, अपने पोर्टफोलियो को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, अपने क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो को डिस्टर्ब नहीं होने दिया है। वो बात अलग है कि पर्सनली क्लाइंट क्या कर रहा है, बट मेरा अभी तक सबको ये मैसेज है, प्लीज कोई डिस्टर्बेंस की जरूरत नहीं है। बसरते बसरते आप पे बहुत ही गजब के, बहुत ही फंडामेंटल, बहुत अच्छे स्टॉक्स हों, और जो बहुत ही चर्चित स्टॉक्स हैं जो दुनिया जहां के लोग बोलते हैं आपसे, प्लीज ऐसा जरूरी नहीं है कि वही बहुत फंडामेंटली स्ट्रांग है, ठीक है, कि वो परफॉर्म कर जाएंगे। उदाहरण के तौर पे आईटीसी है, आईटीसी परफॉर्म नहीं किया और आगे परफॉर्म कर जाए, पता नहीं कर जाए, लेकिन नहीं किया ना अभी तक परफॉर्म, इतनी तेजी में भी परफॉर्म नहीं कर पाया। तो ऐसा नहीं है कि आगे क्या परफॉर्मेंस करेगा, वो देखना पड़ेगा आगे की सिचुएशंस को। और वीडियो आती रहेंगी, मैं हेल्प करता आऊंगा, और प्लीज मुझे भी हेल्प करिए। सभी लोग प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज दोस्तों, ये आप लोगों से बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं जो ये चीज कर रहा हूँ इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए था कि सुबह से जो मैं पैनिकनेस और इतना सब लोगों के मैसेज देख के ना बहुत मन परेशान होता है कि कहीं ना कहीं प्लीज सपोर्ट की जरूरत है एक दूसरे को। तो इसे प्लीज सपोर्ट समझिए, और सपोर्ट के हिसाब से मेरी वीडियो को प्लीज और प्लीज रिस्पेक्ट करिए और आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जल्दी चीजें शॉर्ट आउट हो जाएंगी। इन लेवल्स का जरूर ध्यान रख लीजिए दोस्तों, ये जो लेवल है इस लेवल का और इस लेवल का ध्यान रखिए, और कहीं भी दिक्कत नहीं है ऐसी। हो सकता है यहीं से आपको कल, तो हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत आपको रिबाउंडिंग कर दे, 100-200 पॉइंट आपको बढ़त में दिखा दे, कल की सिचुएशन ऐसी हो सकती है। और अगर मार्केट नहीं संभलते हैं और मार्केट यहाँ आते हैं तो ऐसी दिक्कत नहीं है, बिंदास इन्वेस्टमेंट कीजिए। और ट्रेडिंग का तो एक ही कॉन्सेप्ट अपना लीजिए, अब नहीं अगले 2-2.5 साल तक, कि जैसे ही टारगेट आ जाए आपके, जो आपने निश्चित किए हैं या आपके मेंटोर ने निश्चित किए हैं, आप बस उसके ज्यादा ऊपर नीचे मत सोचो, दिमाग मत लगाओ, टारगेट आया और माल बेचा और बात खत्म, पैसा बना बात खत्म। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली आप फॉलो कीजिए, अगर आप स्टॉप लॉस वाली चीजें करते हैं, जैसे कि कॉल पुट ऑप्शन में अगर काम करते हैं, फ्यूचर में काम करते हैं, या कुछ भी इंट्राडे करते हैं, तो स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप बाय ऑन डिप के मौके तलाशिए, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ये मार्केट के अभी तक के हाल हैं, और मार्केट में अगर मैं इससे ज्यादा अगर कुछ बताना चाहूं आपको, तो अगर ऑप्शन चेन के ऊपर ज्यादा आपका भरोसा है तो मैं ऑप्शन चेन अगर आपसे डिस्कस करूं, तो देखिए ऑप्शन चेन भी आपको इतना ज्यादा परेशान नहीं कर रही है, और ऑप्शन चैन ये आपके सामने है, इसमें कॉल वॉलेटिलिटी एंड पुट वॉलेटिलिटी जो है वो इस तरीके से स्ट्रक्चराइज हो गई है कि 16,800 और 17,300 इसके बीच के जो दायरे हैं, इस दायरे में कहीं ना कहीं रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा दिख रहा है। तो आने वाले टाइम में मार्केट हालांकि इतना तेज नहीं होगा, और साइकोलॉजिकल बैरियर एंड एक कह सकते हैं आपकी रेजिस्टेंस बन चुका है अब 17,000, ठीक है। तो 17,000 का जो रेजिस्टेंस है वो समझना आपको जरूर होगा, और वो मुश्किल है कि वो बन जाए, खत्म हो जाए जल्दी से। लेकिन हाँ, अगर वो जल्दी खत्म हो गया तो हम फिर एक अच्छी रैली देख पाएंगे दोस्तों, अदरवाइज तो अभी मार्केट टेक्निकली वीक हो चुके हैं और चार्ट्स भी वीक हो चुके हैं। तो ओवरऑल ये एक सिचुएशन है, कल हो सकता है छोटी मोटी रिबाउंडिंग और एक रिकवरी देखने को मिल जाए 100-200 पॉइंट की। लेकिन प्लीज इन लेवल्स का ध्यान रखिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, वेट एंड वॉच की स्थिति है। और मैं समझता हूँ आपको ये चीज
क्लियर हुई होगी, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइएगा, मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। जैसी भी हेल्प होगी, आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे हैं, और यही मेरा कहना है, अपना ध्यान रखें, इन्वेस्टमेंट करें, लॉजिकल इन्वेस्टमेंट करें, कुछ भी इधर उधर की बात से इन्वेस्टमेंट ना करें, और ट्रेडिंग में टारगेट का ध्यान रखें, टारगेट पे अपने प्रॉफिट्स को बुक करें। दोस्तों इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।